अस्सलाम वालेकुम अजीज़ा नेमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई थे वजह से सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर से होंगे, जहाँ के नहीं होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की आपके पास फाइल है, चाहे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, चाहे लाहौर स्मार्ट सिटी है, चाहे आपके पास जो है पार्ट टू सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, फैसल टाउन है, फैसल टाउन फेज टू है, B17 मल्टी गार्डन फेज टू है, उसके बारे में चले बाद में बात करेंगे। लेकिन जो मार्केट के प्राइवेट प्रोजेक्ट्स है, प्राइवेट बिजनेस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स की फाइलें जिन लोगों के पास मौजूद हैं, तमाम तरह प्रोजेक्ट्स की, GFS हो गए, सेवन मंडल हो गए, काफ़ी नाम है जो मार्केट के प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो इस वक्त तो मुल्क में रिसेशन है, हर बंदा जान रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है, जो केस स्टडीज मेरे पास आती हैं, वो यही आती हैं कि लोगों ने फाइल होल्ड की हुई, अब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें। मेरी एडवाइस अगर आप लेते हैं, अगर आपके पास किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की फाइल मौजूद है और आपने 20 ना मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तब मिलेगा जब आप फाइल को जो है उसी तरह छोड़ें, अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू नहीं कर रहे, और इसका आपको जो है रिजल्ट एंड ऑफ द डे जाके मिलेगा, जिसमें आपको ह्यूज लॉस का सामना करना पड़ेगा। आप लोग बोलेंगे ये कैसे लॉस होगा, अगर हमने भेज दे फाइल या लिक्विफाई कर दी या गुम गई, गुम ना ज़्यादा लॉस नहीं है, लेकिन ये फाइल होल्ड किए रहना, इसमें इंस्टॉलमेंट ना जमा कराना ज़्यादा लॉस कैसे है। ज़्यादा लॉस ऐसे है कि तमाम तर प्रोजेक्ट जो मार्केट के प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह ये डिलीवर होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। अभी मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, अभी फाइल्स को होल्ड कर रहे हैं। होगा क्या, मुल्क में रिसेशन है, रिसेशन रहेगा, अभी सोसाइटियाँ मिनते कर रही हैं, लोग जी पैसे जमा करवा लें, सोसाइटियाँ कह रही हैं, डीलर कह रहे हैं जी अपनी बुकिंग करवा लें, लेकिन ऐसा 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 एक बूम दोबारा आएगा, और जिस सोसाइटीज में आपके प्लॉट्स हैं या फाइल बुक कराएंगे, जिनकी आप किस्तें नहीं जमा करवा रहे, आहिस्ता आहिस्ता वो डिलीवर होने की तरफ जाएंगे, और जब डेफिनेटली उनके पास प्लॉट्स कम होंगे और फाइलें मार्केट की ज़्यादा होंगी, तो प्लॉट्स खाली उन्हीं को मिलने लगे जिन्होंने टाइमली अपनी किस्तें जमा करवा दी होंगी। उस वक्त बहुत सारे लोगों को ख्याल आएगा, यार चले अब प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, अब हम अपनी फाइल लेकर जाते हैं फलाने किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं जिसकी हमारे पास फाइल मौजूद है, ये फाइल जाके हम प्रेजेंट करते हैं, अपनी किस्तें जमा कराते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, उस वक्त सोसाइटी रिफ्यूज़ कर देगी। मैं आपसी बात बता रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वहाँ पर जाके आपको ज़्यादा जो है लॉस होगा, क्योंकि जो भी इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जांपल आपने 8, 9 या 10 लाख का प्लॉट कराया है, 4-5 लाख रुपए जमा, 5-1 लाख मरीज जमा नहीं करवा रहे, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे वो प्लॉट 25 से 30 लाख रुपए का होगा, उस वक्त आप कहेंगे जी 5 लाख मुझसे ले लें प्लॉट दे दें, तो उस वक्त सोसाइटी रिफ्यूज़ कर देगी, शायद सरचार्जेस की मत पे आपसे 25 लाख डिमांड कर ले कोई भी सोसाइटी हो, या वो बोले जी हम फाइल कैंसिल कर चुके हैं, तो वो प्लॉट जो भी 5 लाख रुपए आपका फंसा हुआ है, आप समझ रहे फंस गया है, और आपने मरीजों के साथ कोई डिसीजन मेकिंग नहीं किया है, तो एंड ऑफ द डे जाके आपको लॉस 25 से 30 लाख का भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो प्लॉट जो आपका होना चाहिए था, जिसकी वैल्यू 25 से 30 लाख होनी चाहिए थी, आपने टाइमली वो किस्तें ना जमा करवा के वो नुकसान जो है अपने जिम्मे करवा लेना है, टाइमली अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवा दे। तो मेरी राय है उन तमाम तर लोगों के लिए जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और वो कंटिन्यू नहीं कर रहे, कंटिन्यू करते रहे या टोटल एग्जिट ले लें। जब आप एग्जिट लेते हैं, फायदा हो नुकसान हो, आप एग्जिट ले लें, दोबारा कभी किसी की फाइल में इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी भी फाइल में इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन अगर आप फाइल होल्ड करना चाहते हैं तो एटलीस्ट यू शुड सबमिट योर इंस्टॉलमेंट्स। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून्ड में, दस अल्लाह हाफ़िज़।